नमस्ते दोस्तों, थंबनेल देखकर आपने सही वीडियो पर क्लिक किया हुआ। अगर आप जानना चाहते हैं शेयर मार्केट क्या है तो पूरे वीडियो को देख लीजिए, आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। और चैनल पहली बार आऊँ मैं कहूँगा प्लीज ये लाल बटन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दिए। शेयर मार्केट रिलेटेड बहुत सारी वीडियो आपको आने वाले समय के देखने को मिलेगी दोस्तों। चलिए बताता हूँ आपको मैं दोस्तों, जान लीजिए जैसे कि इंडिया में आप रहते हैं, इंडिया के अंदर मात्र 4% लोग ही शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और अमेरिका के अंदर वही जो है लगभग 50% लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। और सोचते हैं इंडिया में लोग कहते हैं शेयर मार्केट की जो बात आती है कहते हैं जुआ है, ये स्कैम है, इस तरीके से यहाँ पैसा लगाना चाहिए। लेकिन जब तक हम पढ़े लिखेंगे नहीं, जब तक हम जानेंगे नहीं, तब तक किसी बारे में कैसे हम आइडिया लगा सकते हैं। हम सिर्फ टीवी की न्यूज़ से, मीडिया की न्यूज़ से, किसी मुंह के सुन करके हम पूरा उसका आकलन नहीं कर सकते दोस्तों। चलिए बात करते हैं, आपको बात कर रहा हूँ शेयर मार्केट। मान लीजिए कोई एबीसी कंपनी है, ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए एबीसी कंपनी है, एबीसी ने कंपनी ने अपने कंपनी खोलने के लिए 100 रुपया मार्केट में लगा दिया। 100 रुपये में पूरी कंपनी चल रही है उसकी, 100 रुपये में उसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग भी हो रहा है, उसका सेल भी, सारी चीजें 100 रुपये में। एग्जाम्पल के तौर बता रहा हूँ, 100 रुपये बता रहा हूँ आपको मैं। तो आपने 100 रुपये में कर लिया, अब चाहते हैं कंपनी के जो मालिक है वो चाहते हैं कि अब मेरा कंपनी जो है बड़ा हो जाए, तो पैसा कहाँ से लेकर आ जाएगा? तो कंपनी कहती है कि ठीक है भैया, वो मीटिंग करते हैं, जितने मेंबर लोग मेन लोग होते हैं मीटिंग करते हैं, मीटिंग करने के बाद में प्लानिंग करते हैं कि हम लोग जो है 75, जो 100 रुपये मार्केट कैपिटल है उस 75 उसके मालिक उसको हम लोग रहेंगे, चाहे एसेट हो चाहे लाइबिलिटी हो, सब उसके हम मालिक रहेंगे। और लोग 25 पैसा रुपीज जो है उसको हम मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर देंगे। इन्वेस्टमेंट सेंस मतलब क्या करेंगे कि हम उसका जो है शेयर लेकर आएंगे। आगे बता दो शेयर क्या होता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, शेयर लेकर आएंगे, शेयर लेकर आएंगे और उस 25% को जो है हम 25 शेयर लेकर आएंगे, इसका 1-1 रुपया दाम रखेंगे। 25 शेयर है मार्केट के अंदर, उसको लॉन्च कर देंगे और लोगों से कहेंगे उसको खरीदने के लिए। लोग इस शेयर को खरीदेंगे 1-1 रुपये का शेयर, और उसके बाद जो है हमारे कंपनी का जो है रेट ऐसे मिलेगा। अब उस शेयर का दाम हम 1 रुपये की जगह हमने 10 रुपया कर दिया, उस शेयर का दाम हमने जो है 1 रुपये की जगह 20 रुपये, जैसा भी कर दिया, मान लीजिए कि हमने उसका दाम 10 रुपये कर दिया, 25 शेयर में ला दिया, तो हमको क्या हुआ, 25 × 10 कर देंगे 25, मतलब 250 रुपीज हो गया मार्केट में, 250 रुपीज का हमारा शेयर आ चुका है। हमारा मेन पूंजी जो 75 रुपीज हो गया और 250 रुपीज ये आपका हो गया, मतलब 325 रुपीज का हमारे पास जो मेन पूंजी हो चुका। तो इस तरीके से जो है अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं। अब चलिए बताते हैं आपको मतलब शेयर क्या होता है। जैसे आपने एक कंपनी खोल लिया, कंपनी खोलने के बाद जो उसकी फॉर्मेलिटी होती है, फॉर्मेलिटी क्लिक कर लिए, क्लिक करने के बाद में आप नाम जो सुने होंगे एनएससी का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी का मतलब सुनते हैं कि बॉम्बे स्टॉक, मतलब बॉम्बे के अंदर है, एनएससी का मतलब कि एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये भी बॉम्बे के अंदर ही। ये कंपनियां जो होती है, जैसे कि आपने कंपनी एबीसी बना दिया है तो आपको शेयर मार्केट में लाना होगा, बहुत फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है, कितना एसेट है, कितने लायबिलिटी, सारी करने के बाद में आपको अपने कंपनी को रजिस्टर करना पड़ता है एनएससी और बीएससी के अंदर। ठीक है, एनएससी बीएससी के अंदर आपका कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगा। इस समय करंट के अंदर एनएससी जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसको के अंदर लगभग 1600 कंपनियां लिस्टेड है, और जो बीएससी है लगभग जो है वो 5000 कंपनियां लिस्टेड है। बीएससी जो है वो पुराना है इंडिया के अंदर, एनएससी जो है वो नया है इंडिया के अंदर बीएससी के मुकाबले। ठीक है, इस समय करंट के अंदर जो है जो एनएससी चल रहा है वो 15,000 से ऊपर चल रहा है उसका रेट चल रहा है, और जो बीएससी है मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो 50,000 से ऊपर पहुंच चुका है। तो बात आप समझ चुके हैं, ये हो गया। जैसे कि आप शेयर मार्केट में आप ये कर चुके हैं, एबीसी कंपनी अपने जो है शेयर को जो है उसने एनएससी और बीएससी के अंदर जो मतलब अपने कंपनी को रजिस्टर्ड करा लिया, उसने जो उसने जो है शेयर ला दिया। अब हमको अगर शेयर खरीदना है मान लीजिए कि किसी एबीसी कंपनी का, तो मैं डायरेक्टली एनएससी के पास में, बीएससी के पास में जाके शेयर नहीं खरीद सकता हूँ, तो हमको बीच में एक चाहिए ब्रोकर चाहिए, इसके माध्यम से हम जो है शेयर खरीद सकते हैं। तो बहुत सारे नाम आप सुने होंगे, शेर खान का नाम सुने होंगे, जीरोदा नाम सुने, ये सब ऐसी कंपनियां हैं जो कि बीच में मेडिटर काम करती हैं, एनएससी बीएससी और हमारे बीच में हम शेयर का खरीद फरोख्त करते रहते हैं। बात समझिए इस बात पे, जैसे शेर खान है, जीरोदा हो गया, अब स्टॉक हो गया, वैसे मोतीलाल हो गया, बहुत सारे लोग ऐसे ब्रोकर हैं इसके माध्यम से हम जो शेयर खरीदते रहते हैं। अब मान लीजिए कि शेयर का रेट अपने कंपनी का जो भी आपने एबीसी कंपनी आपकी अपने जो भी शेयर का रेट रखा हुआ एनएससी के पास वो डिपोजिट पड़ा, शेयर पड़ा हुआ, अब हमको एनएससी का उस एबीसी कंपनी में जो शेयर खरीदना है, तो मैं ब्रोकरेज के माध्यम से जो है जो भी उनका डीमेट अकाउंट एक अकाउंट खुलता है डीमेट अकाउंट उसमें खुलवा लिया, अब मुझे खरीदना है मतलब शेयर खरीदना है, तो मैं उस ब्रोकरेज के माध्यम से, शेयर खान ब्रोकरेज है, जीरोदा है, उनके माध्यम से हम जो है शेयर खरीदेंगे। 1 रुपया का शेयर है, उसमें ये कुछ कमीशन लेंगे, कुछ अपना ब्रोकरेज लेंगे, मतलब 1 रुपया है तो 1 रुपया 1 पैसा हो जाएगा, तो मुझे वो 1 रुपया 1 पैसा मिलेगा। जब मैं खरीदूंगा तब भी मुझे इनको ब्रोकरेज देना पड़ेगा, इन जो बीच में ब्रोकर होंगे, और उसके बाद जब मैं बेचूंगा तब भी इनको ब्रोकरेज देना पड़ेगा मुझे। तो आप समझ चुके हैं ना, तो बीच में ये जो ब्रोकर का काम करते रहते हैं। तो अब जब आपसे कोई पूछे कि शेयर मार्केट जुआ है, तो इस बात को उनको जवाब दीजिएगा, शेयर मार्केट जुआ नहीं है। मान लीजिए कि टाटा ऐसी बड़ी कंपनी है, टाटा को अच्छा काम कर रही है, और पता नहीं कितने साल से आज के डेट में भारत के अंदर है, पाकिस्तान की पूरी जीडीपी जो हो गया
टाटा का जो है हमारा 4% GDP बराबर है, मतलब टाटा इतनी बड़ी कंपनी हमारे में, तो टाटा अगर कंपनी काम कर रही है तो हम लोग नॉर्मल जान लीजिए कि अगर हमको कुछ बिजनेस करना है तो हम टाटा इतनी बड़ी कंपनी खोल तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम टाटा का शेयर लेकर के टाटा के बिजनेस में थोड़ा सा जो है एक शेयर ले सकते हैं। अगर टाटा कंपनी फायदे में जा रही है तो हमारा शेयर का दाम बढ़ेगा और हमको दिन पर दिन फायदा होगा। तो बात समझते हैं, तो ऐसी कोई भी कंपनी मान लीजिए कि जो है इंडियन ग्लाइकोल हो गया, विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, जो भी कंपनी मार्केट के अंदर है उन कंपनियों का शेयर मार्केट में अवेलेबल है। उस कंपनी के शेयर को आप खरीद सकते हैं ब्रोकर के माध्यम से और उसको जो है आप रख सकते हैं फ्यूचर के लिए जैसे जैसे दाम बढ़ेगा। एक वीडियो में देख रहा उसमें बताया गया था कि आज से 35 साल पहले विप्रो कंपनी का जिसने शेयर 10 रुपए में लिया हुआ था, आज 35 साल बाद उस कंपनी का शेयर, मतलब कंपनी इतनी मुनाफे में पहुंच चुकी है और 10,000 रुपए का शेयर लेने वाला व्यक्ति आज जो है 700 करोड़ रुपए का मालिक बन सकता था। सोचिए कौन सी कंपनी आपको जो है इतना मतलब रिटर्न देगा? कोई कंपनी नहीं देगा, कोई बैंक आपको रिटर्न नहीं देगा। तो आज अगर जो कहते हैं शेयर मतलब शेयर मार्केट जुआ है, ये स्कैम, एक तरह से जुआ स्कैम नहीं है, आपको जानकारी नहीं इसीलिए आप कहते हैं। मान लीजिए कि मैं एक आदमी हूँ, मुझे जो है 4 व्हीलर गाड़ी चलाने नहीं आता है, मैं ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता हूँ, गाड़ी को लेता हूँ, घुमाना स्टार्ट कर देता हूँ, कभी यहाँ जाता हूँ कभी यहाँ जाता हूँ, पक्का लड़ दूंगा ना, मतलब कहीं ना कहीं लड़ा दूंगा, मेरी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए, मेरी जान नहीं जा सकती, कुछ भी हो सकता है। तो सेम उसी प्रकार से अगर आप शेयर मार्केट को हम जानकारी नहीं रखेंगे, आप दूसरे की बातों सुन के कहेंगे कि यार शेयर मार्केट जुआ है, स्कैम है, तो आपको पक्का पक्का नुकसान ही होगा। तो मैंने आपको पहले एग्जांपल के तौर बता दिया है कि हमारे देश के अंदर मात्र 4% लोग ही जो है शेयर मार्केट के अंदर जो है इन्वॉल्व होते हैं, और अमेरिका जैसे बड़े पूंजीवादी देश के अंदर जो 50% लोग शेयर मार्केट इन्वॉल्व होते हैं। जानना अगर ये हम कहें कि क्यों इंडिया के अंदर 4% है, तो मेन कारण यही है कि हमारे पास मतलब जागरूकता नहीं है, हमारी लिटरेसी नहीं है, इतना और पैसा नहीं है कि हम शेयर मार्केट में इन्वॉल्व हो सकें। लेकिन अमेरिका के अंदर 50% लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं और अच्छा अर्निंग कर रहे हैं। आज के डेट में बैंक में अगर आप जो है FD खोल लेते हैं 7% रिटर्न देगा, अगर आप जो है कोई प्रॉपर्टी खरीदे 10% रिटर्न देगा, लेकिन शेयर मार्केट के अंदर देखा ये जाता है कि 18% 20% तक रिटर्न आपको मिल सकता है। तो इसलिए मैं शेयर मार्केट के ऊपर जो है अपना चैनल खोला हूँ, उसका नाम है शेयर मार्केट ज्ञान, और शेयर मार्केट रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूंगा और आपको शेयर मार्केट के बारे में जानकारी देता रहूंगा। दोस्तों वो पहला वीडियो मेरा है इस चैनल के ऊपर है, और आपको वीडियो पसंद अगर आए तो प्लीज लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताएं कि क्या अच्छे वीडियो बना सकते हैं और किस टॉपिक बना सकते हैं। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे किसी एपिसोड में, किस टॉपिक साथ में, तब तक आप सबको।